यार ठीक तो है कलर, वॉल पेंट करवाने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स जरूरत है, शादी हो रही है, घर तो रीमॉडल कराना पड़ेगा ही ना। और एक तो मैं तुम्हें ये सब बोल रही हूँ, और जब बोल भी रही हूँ ना चुपचाप सुनो, ये सही है वो ठीक है ये सब मत करो। यार इतना अच्छा घर तो लिया है मैंने, मैं डेक मैं ना तुम्हें दो तीन वॉल प्लस कर्टन्स के कॉम्बोज भेज दूंगी, उसमें से सिलेक्ट कर लेना तुम। वॉल प्लस कर्टन कॉम्बो? हाँ मतलब वॉल के साथ कर्टन मैचिंग होना चाहिए, ये सब देखना पड़ता है। और ये फ्लावर चेंज कर देना। यार इतने अच्छे तो फूल है। हाँ बट ये वास। अरे वास पे क्या प्रॉब्लम है, वास भी तो सही है। पर फ्लावर के साथ वास पता नहीं, तुम देख लेना। लिसन ये पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, मेलामाइन का सेट ले लो। व्हाट इज मेलामाइन का सेट? वो होता है ना प्रॉपर क्रॉकरी का, क्या बोलते हैं हिंदी में, गूगल कर लो। यार ये मेलामाइन क्या है? एक सेकेंड, मेलामाइन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तुम और तुम्हारी केमिस्ट्री। एक सेकेंड, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? अगर केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हो। हाँ क्योंकि तुम मजाक उड़ाने का मौका तो देते हो ना, मेलामाइन क्या है। अच्छा लिसन, ये डस्टबिन भी चेंज करना पड़ेगा। यार डस्टबिन में क्या प्रॉब्लम है यार? ठीक है ओके चलो, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉशरूम। तुम्हें अभी तो शैम्पू और कंडीशनर का लिसन वो बहुत साल पुरानी सिली मिस्टेक थी ओके। यार बट दैट वाज सो फनी, यू रिमेम्बर दैट ट्रिप? आई रिमेम्बर ऑब्वियसली। यू रिमेम्बर मैं आई थी तुमसे मिलने और फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम गई, एंड आई वाज लाइक करण वेयर इज द शैम्पू, और तुम बोल रहे थे कि शैम्पू इज इनसाइड, अरे ग्रीन कलर के बॉटल में देखो, एंड आई टुक आउट द ग्रीन कलर बॉटल, इट वाज कंडीशनर। और तुम 3 महीने से वो शैम्पू समझ के यूज करते आ रहे थे। हाँ तो हो जाती है ना यार गलती कभी कभी, पता नहीं हमें डिफरेंस क्या है। और 3 महीने तक मैं कंडीशनर को शैम्पू की तरह यूज करता गया, तो सालों तक मैं ये भी तो समझता रहा कि यू आर द गर्ल जिससे मेरी शादी होगी, तो गलत समझ लेते ना कभी कभी। You know, I'm happy for you. But honestly, matrimonial website. I mean, knowing the kind of female interaction you have had. You know, Vivek ka bhi yahi maanna hai. In fact, uska to ispe joke bhi hai. Wo kehta hai, jab bhi main kisi ladki se milne jata na, she's always the fourth one. Cafe mein, us tak pahunchte, pehchan ki teen aur mil hi jati hai. To main un teenon ko aise high five dete ho jata. विवेक जब ये बोलता है तो थोड़ा ज्यादा फनी लगता है। विवेक कितने मजे लेता था ना वो। हाँ तुम तो हो ना उससे टच में। हाँ पर बहुत कम, आई मीन हार्डली किसी से टच में हूँ। शादी के बाद लाइफ इज जस्ट चेंज्ड, एक साल यूं ही पता नहीं कैसे। और ऊपर से तुम्हारी हेक्टिक नौकरी, मतलब ऐसा लगता है उस कंपनी में पूरा का पूरा काम तुम ही करती हो। यार थोड़ा चिल किया करो। पूरा का पूरा काम तुम ही करते हो, तुम्हारे ये टॉन्ट मारने की आदत ना, लास्ट टाइम भी जब मिले थे क्या बोल रहे थे कि सीईओ बन गए हो और रिप्लाई नहीं करते, ये वो ऐसा कुछ, संभाल के। 2.5 साल बाद तुम्हें यही याद है सिर्फ? टॉन्ट मारोगे तो यही याद रहेगा ना। आई वाज जोकिंग ऑब्वियसली। आई नो किस किस के अभी तो सीनियर मैनेजर बनी हूं, पर से तुम अरे ये पुराना जूता यहां पे क्यों है अभी तक? यू नो व्हाट स्ट्रेंज, ब्रेकअप के 2.5 साल बाद जब मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलने वाली हो, फिर एक दिन सडनली तुम मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गई, फिर हम मिले, सब कुछ अच्छे से गया, तुमने मेरा दिया हुआ मेल्टेड चॉकलेट भी खाया। वो तुमने जानबूझ के दिया था ना? हाँ बट
उस दिन के बाद मुझे नहीं लगा था कि हम 2.5 साल बाद मिलेंगे. यू नो आई थॉट कि या बट वी वर इन टच ना मोर ऑर लेस. फिर मिलना वो वल्नरेबिलिटी कॉम्प्लिकेशन. फिर अब क्यों मिल रही हूँ? अब तो शादीशुदा है ना हम. मतलब तुम तो ऑलमोस्ट हो ही, तो ऐसे टाइम पे एज अ फ्रेंड तो हेल्प कर ही सकती हूँ. वरना तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी कि इस लड़की की एक भी ढंग की एक्स नहीं थी और इसे लड़कियों के साथ रहना नहीं आता है ना. और कॉफी लोगी? I'm good. Yeah. Same here. कितना awkward pause हो रहा है ना. कुछ topic of conversation? Topic? हाँ, मैंने जो तुम्हें Paytm games का link भेजा था वो तुमने download किया? कौन सा? यार तुम मेरी बात कभी सीरियसली लेती नहीं हो यार. हद है. ये लो इसे डाउनलोड करो, रेफर करो, सोशल मीडिया पे प्रमोट करो. ठीक है, अगर तुम्हारे पोस्ट से किसी ने इसे डाउनलोड किया ना तो पैसे वैसे भी मिलते हैं. मैंने तो सबसे डाउनलोड करवा दिया है. इट्स टू मच फन. देखो कितना खुश हो रहे हो तुम. हाँ यू नो हम सब, मतलब सब लोग लाइफ में इतना सब लूज करते हैं कि कुछ भी मिलने की खुशी ना स्पेशल लगती है. डाउनलोड कर लूंगी, खेल लूंगी, प्रमोट भी कर लूंगी. अब चले काम पे लग जाए. जब भी मिलते हो कोई ना कोई ऐप प्रमोट करते ही रहते हो. ये मैट्रेस तो 2 साल पहले ही लिया था और ये बेडशीट तो 6 महीने पुरानी है. सब कुछ चेंज, समझे? मैट्रेस, बेडशीट, पिलो कवर, पिलो, सब कुछ. और मैं जो इतनी तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे? तुम आओगी? अजीब नहीं लगेगा तुम्हें? तुम्हें कॉलेज फेस्टिवल याद है जिसमें एक विश बोर्ड था वो बड़ा सा, जिसमें वी हैड टू राइट आवर बिगेस्ट ड्रीम्स? सब इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे थे और तुमने लिखा था मैरिंग करण. उस विश बोर्ड में बड़ी सी हैंडराइटिंग है. यू नो अजीब नहीं लगेगा? तुम बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी. हाँ अब तो सब कुछ कूल है ना. आई एम लिविंग अ परफेक्टली हैप्पी मैरिड लाइफ. तुम भी सेटल हो रहे हो भले ही मैट्रिमोनियल साइड से, बट स्टिल. क्या तुम यार, तुम्हें पता है ना वी डेटेड ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन आवर पेरेंट्स गॉट इन्वॉल्व. बस डेटिंग ऐप्स में स्वाइप राइट होता है और यहाँ पे बस स्टिक करना होता है, दैट्स द डिफरेंस. कितना चिढ़ रहे हो तुम. ऑब्वियसली आज मुझे चॉकलेट नहीं दोगे तुम? जो चीज तुम्हें चाहिए ही नहीं उसे देखकर क्या फायदा. वैसे आई ईट चॉकलेट नाउ. इनफैक्ट काफी ज्यादा. बस मेल्ट करके नहीं खाती. वैसे अभी तो मेरी फोटो तुम्हारी वॉलेट में नहीं है ना? नहीं. दिखाओ. क्या वॉलेट? क्यों? I'm serious, दिखाओ. चलो तुमने तो कोई पॉइंट नोट ही नहीं किया होगा, तो रिवाइज करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना याद आता है. चलो चलो. मुझे पता था तुम भूल जाओगे. यार तुमने डस्टबिन इतनी कैजुअली बोला कि मैं भूल गया. फिर मुझे ही कॉल करोगे? तुम उठाओगी? नहीं उठाऊंगी तो मेल कर देना. अभी तो रिप्लाईज की फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ गए. हाँ 10% से 20% हो गया, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई है. वैसे यू नो 5 साल पहले अगर हमें पता होता कि 5 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से फॉरगिव कर चुके होंगे, नो एंगर, नथिंग, तो क्या हम अलग होते?
मैं तुमसे अलग कहाँ हुआ था तानिया? और हम फिर भी साथ में हो सकते थे, specially when you were there for me. When I was going through the worst phase of my life, जब तुम हर रोज मुझे कॉल करके सुलाते थे, फिर भी मैं मिलने नहीं आई until today. I was such a bitch, no? No, no. शायद तुम्हें पता था that I would want us to get back together. तुम्हें लगा it would just complicate things with all that baggage. तो ठीक है यार, ठीक है. हाँ, ठीक है. We have moved on. Past की memories है पर. But to some extent feelings भी है. वो भी चली जाएगी एक रोज. Of course. तुम्हें क्या लगता है? तुम ज़िंदगी भर मुझे याद करते रहोगे? कुछ नहीं होगा ऐसे, सब भूल जाओगे. तुम भूल गई हो? अच्छा, 20 चीजों के बीच में पड़ा धूल में लिपटा हुआ मेरा 6 साल पुराना जूता तुम्हें याद है? तुम्हारा ही गिफ्ट था ना? वैसे आई डू होप ऑल दीज फीलिंग्स डाई आउट और हम ये सब भूल जाए. रेडियो एक्टिव डीके के बारे में हमने पढ़ा था ना केमिस्ट्री में, याद है? रेडियो एक्टिव डीके में रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मतलब शुरुआत में जल्दी जल्दी डीके होता है और उसके बाद प्रोसेस स्लो हो जाता है. ब्रेकअप में फीलिंग्स के साथ भी ऐसे ही होता होगा, गैस सेम फॉर्मूला. तुम्हें याद है वो फॉर्मूला क्या था? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तुम्हें पता होगा. एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है. वैसे किसी चीज को इस प्रोसेस में पूरी तरह डीके होने में या खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? Do you remember? तुम अभी मेरे टेस्ट ले रहे हो क्या? गूगल करो, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगा, घर जाके देख लूंगी. देखो तो शायद फीलिंग्स खत्म होने में भी सेम टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रेडियो एक्टिव डीके. ये तो साइंस जर्नल्स के पोस्ट आ रहे हैं. कोरा के रिजल्ट्स भी ये देखो. हाँ, ये वाला देखो. सो द टाइम इज इन्फिनिटी इन्फिनिटी. इसका मतलब फीलिंग्स पूरी तरह खत्म होने में शायद नेवर नेवर. मैं तुम्हें हक करूं, तुम सेंटी नहीं होगे. तो मत हक करो. ठीक है यार, प्लीज रो मत. ठीक है, आई थिंक यू वर राइट अबाउट दैट फ्लावर वास. वो फ्लावर्स बड़े सुंदर है, वो वास भी परफेक्ट है, बट maybe they don't belong together. But that's okay. I hope they find a flower
and vase for themselves. A wonderful flower and vase. Maybe. Maybe. Hey guys! I know थोड़ा heavy हो गया था ना, but आप please मुझे इसकी तरह हल्के पे मत लो guys. Please download the Paytm Games app now. और इसे refer करो, social media में promote करो और पैसे कमाओ. And if you have not watched the first episode of When You Meet Your Ex, the link is in the description below. और third के लिए इंतजार कीजिए. ठीक है भाई, अभी सब हो गया. RVCJ को सब्सक्राइब भी करवा दो. हाँ गाइस, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर द लव एंड प्लीज फॉर योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट कीप वॉचिंग आर वी सी जे.